भोलेनाथ जी और गंगा मैया की कृपा से आज आड़े भागवत कथा का आयोजन होगा और साथ साथ में 250 लोगों का भंडारा भी लगन जा रहा है। और कलश यात्रा ने तो आज के पूरे दिन में 4 चांद लगा दिए। आज का आगे व्लॉग में दिखाओगे आपने क्यूकर के मणि। सवेरे उठे और बाहर निकले तो देखा कि बादल जमा नीचे आ रहे हैं पहाड़ा ते भी। माता श्री ने तो कल कमी नींद आई क्योंकि मम्मी ने खाट पे सोने की आदत है, बोली सारी रात गद्दे पे नींदे को नहीं, कड़ जलन लगी मेरी तो मखा एसी तने चलान कौन दिया, कड़ तो जलेंगी। सारे जने उठ लिए थे, मम्मी ने बोली चा प्या लिया, सारी रात तो मेरी नुआ लिकड़ गई। मम्मी ने एक चाय की टपरी पे ले जाऊँ गल्ले खुआवा बिस्किट, उसके बाद आके नहा धो लिया और सुबह का नाश्ता में आज पोहा था भाई। हम तो गलती तक गेट खुला छोड़ गए कमरे का और नीचे चले गए अपना नाश्ता करण। आए तो बंदर महाराज कमरे में तो सारी की सारी आम की थैली ले जा चुके थे। जमा इतनी सुतरी डाला आम खाया पूरा छोल छोल के, एक भी छिलका नहीं खाया इसने। मखा ले भाई आज तो बंदर महाराज की पार्टी होगी। इब हम नीचे चले गए मंदिर में, माँ कात्यानी देवी मंदिर में रुक रहे हैं। हाँ यो आश्रम भी है ट्रस्ट भी हार्ड है तो अपने रूम मिल जाएगा। कल बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इनका नंबर मेंशन कर दो, तो भाई आप ऑनलाइन देखोगे गूगल वगैरह पे उड़े भी इनका नंबर मिल जाएगा। आपने माता रानी के दर्शन करे हाथ जोड़े और उसके बाद थोड़ी देर आड़े भजन सुने, फिर हम चाल पड़े दूसरे आश्रम में। आज आड़े भागवत कथा का शुभारंभ होने जा रहा था, उसकी तैयारी चलन लाग रही थी। पहले फूल ले रखे हैं जमा एक ट्रक भर की और पूरा का पूरा जो भवन है वो सजाया जाएगा। साथ में सारी व्यवस्था होने लाग रही है, बड़े बड़े कूलर ले रखे हैं ताकि गर्मी का एहसास ना हो। वैसे तो गर्मी आड़े है भी कोनी, थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी हो सके। कुर्सी कर्सी सारा सौदा आ रहा था। इसके बाद चले गए हम रसोई घर की साइड। हमारे जो शेफ साहब है इनका नाम है गिरीश भट्ट, इनका हाय हेलो कर रहा हूं। भैया ने बताई कि आज 250 लोगों का भंडारा है, उस खातर अचारी भिंडी साथ में रायता सलाद रोटी चावल और दाल बनन लाग रही थी। सारी की सारी तैयारी कर ली थी, भिंडी काटन लाग रहे थे, खीरे जो है सलाद खातर काट की पानी में भिगो रखे थे, तैयारी कर रखी थी, साथ में मूली का सलाद भी था। वापस आ गए हम अपने रूम पे और ये हमारा प्लान था बिटल आश्रम जाने का। हमारा बाबा तो पहले पहुंच गया था पैदल पैदल, लेकिन माता श्री पे इतनी दूर चल रहा है कौन जा, इसलिए हमने स्कूटी ले ली थी। पानी की बोतल ले ली है 2-3 और बाकी सारा खान पीन का सामान एक बैग में भर लिया और फिर अपने अपने हेलमेट पहन की मम्मी बैठ ली मोहित के पीछे, क्योंकि मेरे पीछे बैठ दिया मम्मी ने बहुत डर लग गया। अगर ये जो स्कूटी है अपन आड़े रेंट पे मिल जाए अगर, बहुत आसान हो जाए ऋषिकेश में घूमना, क्योंकि पैदल चलने में बड़ी दिक्कत हो जाए भाई। और अगर रिक्शा वगैरह लेवा तो दूर तक पैदल चल के जाना पड़े, गाड़ी आप आड़े निकाल नहीं सकते। पहुंच जाओ हम बिटल आश्रम जिसने 84 कुटिया भी बोलिया गए हैं। आड़े पहले टिकट लागे है 200-200 रुपया की और जो फॉरनर्स हैं उन खातर 1200 रुपया की टिकट है। टाइम है इसका 10 बजे तक, शाम के 5 बजे तक। टिकट लेके हम ऊपर चाल पड़ा है, एक पर्ची सी दिया गया जो वापस आंदी आनी थी उल्टी देनी है। मम्मी और भी जमा थक लिए थे, मम्मी पे ऊपर चढ़ाई को नहीं, थोड़ी सी चढ़ाई है। जो ये कुटिया बनाई गई है ये 1976 से 78 के बीच में बनाई गई और ये जो सारे स्टोन इसमें यूज करे गए ये गंगा मैया में तय लिकाड़े गए थे। आड़े का माहौल बहुत प्यारा था, ये जो कुटिया बनाई गई थी ये ध्यान लगाने खातर बनाई गई थी और जो तकनीक यूज करी जा रही है ना इसमें, इसी से कितने नहीं देखी थी आज तक। मैं पोस्ट ऑफिस था, किचन था, सब कुछ सुविधा इस परिसर के अंदर बनाई गई थी और ये सारा का सारा परिसर गंगा मैया में तो जो पत्थर लिकड़े उनने तो बनाया गया। लेकिन भाई प्रकृति अपना इसके ऊपर कब्जा लेन लाग रही है, जिस भी चीज ने आप न्यू छोड़ दे हाँ प्रकृति उसने अपने कब्जे में ले ले है। पूरा का पूरा पेड़ पौधे वनस्पति नारे नारे डाल के औषधि आड़ा उग रही थी। थोड़ा बारिश का सीजन है इस वजह से माछरा ने भी अपना प्रकोप दिखा रखा था, आड़े पूरे बड़े बड़े माच्छर थे और कसुत्ते लड़े थे। मेरी प्यारी मम्मी तो आड़े गिव अप करके उल्टी चाल पड़ी, बोली मेरे पे मेरी दही माछरा थी कौन खुआई जा। मखा मम्मी आ जा यो घर देख ले जो महर्षि ने बना रखा है, महर्षि महेश योगी ने ईसा घर बना रखा था। आज तक इतने टाइम पहले भी इसमें वेंटिलेशन की सुविधा थी, इसमें बाथटब की सुविधा थी, अंडरग्राउंड था, छात थी, सब कुछ था और साथ साथ गंगा की मधुर आवाज 24 घंटे कानों में पड़ा कर दी। इससे वजह से गंगा किनारे बनाया गया था यो, ताकि योग साधना में कोई दुविधा ना पड़ जाए। नीचे जो अंडरग्राउंड घर था उसकी दीवार भी अलग तरीके की बनाई गई ताकि आवाज इको ना हो। इसमें बहुत ढूंगा बना रखा था, एक कमरे के भीतर दूसरा फिर तीसरा कमरा, बाकी जो पुरानी हवेली है उसमें भी इस टाइप की कारीगरी देखने में मिला करे। मेरी मम्मी और कहती एक पुरानी हवेली वहां हमने देख रखी है। जो इस जगह का नाम रख रखा 84 कुटिया, वह जगह दिखावांगे आपने। मेनली ये जो 84 कुटिया बनाई गई ये साधना खातर बनाई गई और बिल्कुल अंधेरा था इनमें, आवाज इको ना हो इस वजह से एक स्पेशल डिजाइन बनाया गया। बाहर एक हॉल बनाया गया था जिसमें ये सभा कर देंगे और आड़े लिख रखा है लेट इट बी, जो होगा ओन दो, उसने आप कोई कंट्रोल नहीं कर सकते किसी भी चीज पे। बस यह बात पढ़ दी हमने, माछरा दी खुली छुट्टी दे दी कि भाई तम लड़ो, हम रोक तो सकते नहीं, तमने जो होगा वो तो होना है, लड़ लड़की मारी दे ने सुझा दे। लेकिन हमारी माता श्री इस बात ने समझ नहीं पाई, बोली मैं जाऊं हूं तमने आना है तो आ जाओ। चल मखा मम्मी कैंटीन में बिठावांगे तना, उड़ो पंखे चल रहे कैंटीन में जान दे। मम्मी ने बोली मेरे खातर की मैं शीला सोदा ऑर्डर करो, माता श्री खातर एक लेमन सोडा ऑर्डर करे हमने। हमारे बाबा ने ली ब्लैक टी क्योंकि आज यो व्रत
भर्ती था, सिर्फ फ्रूट्स खाओगा या ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी पीवेगा। 84 कुटिया में 3 घंटे व्यतीत करने के बाद हम वापस चल पड़े और एक प्यारी बिल्ली दिखी हमने लिकड़ दी। बाबा भी बैठ लिया स्कूटी पे, मेरे तीनू बोला तू ये चला ले, मगा चल तो भाई तने ना डर लगता तो मैं ले चलूंगी, अगर तू सारे खतरिया का खिलाड़ी बने तो। आश्रम मान दी हमने कराया भोजन, भोजन बहुत घना स्वादिष्ट बन रहा था। बर्तन अपने खुद धोने हुए हैं, जिस भी प्लेट में या कटोरी में आप खावा ये मैंने धोए और उसके बाद चल पड़े अपने रूम की साइड। भाई हमारे थोड़ी थोड़ी थकान हो रही थी, सारे ने 1-1.5 घंटे का नैप लिया और जमा फ्रेश फील करते उठे। इब एक नया प्लान बना लिया दोबारा गंगा जी के किनारे जान का। हम सारे ने अपने अपने हेलमेट उठाए, जरूरी सामान उठाए और चल पड़े। मम्मी ने बोली मेरा चाह का टाइम हो रहा है, 4 बज लिए। मखा चाल उड़े प्यावांगे तने राम झूला के पास। अपने अपने हेलमेट पहरे हमने और स्कूटी स्टार्ट करके हम चाल पड़े। तेल तो हमने सुबह डलवाए लिया था, सीधे पहुंच जावा राम झूला पे। और आड़े एक लाइव बेकरी है, उसके बिस्किट बड़े स्वाद लग गया करे मने। आड़े तो हमने बिस्किट लिए गर्मा गर्म और शाम में एक ये चाय वाले भैया है जो बड़ी स्वाद चाय पिलावे। आड़े तो हमने 3 कप चाय बनवाई क्योंकि हमारा बाबा तो आगे चला गया था हमारे ते। चाय पीने के बाद हम चल पड़े गंगा मैया के किनारे, थोड़ी देर सुकून ते बैठन, सुकून ते या शाम बितान। गंगा जी का जल स्तर काफी ऊंचा बढ़ चुका था और जो बेल वगैरह थी वो बांध दी गई थी, खुली कौन छोड़ रखी। पहले तो 7-8 पैड़ियां तक चली जाया कर दी है बेल। हमारे बाबा ने तो आड़े भी एक पुच्ची पा जाए, जो भी कुत्ता इसने पावे उसका नाम पुच्ची दर देगा। हम आड़े 1-1.5 घंटे बैठे रहे और फिर माता श्री बोली चलो ये बंदे आने वाला है, दोबारा चलेंगे घर ने। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही थी, स्कूटी की सीट आली हो रही थी, पहले साफ करी और फिर ते बाबा बन गया खतरे के खिलाड़ी। बोला तू ये चला ले, मन पूरा विश्वास है तेरे ऊपर, मैं पाछा नहीं बैठ लूंगा। कल बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जी हरिद्वार ऋषिकेश में किसी भीड़ है, तो भाई पहले तो काफी कम भीड़ है, आज तो होगी क्योंकि कल कोई पर्व है हरिद्वार में, उसका नाम तो बेरा को नहीं। कल लाइव में कमेंट भी आए थे कई सारे। आश्रम में पहुंच जावा सीधे रसोई घर में, जाके देखा केक के बनन लाग रहा है, तो सबसे पहले दिखाई वो केसर वाला दूध जिसमें पंडित जी ने डाल रखा है एक पूरा का पूरा नारियल। और जो ये अंकल जी है ये स्पेशली बठिंडा ते आ रहे हैं, बठिंडा ते कोई फैमिली है जो भागवत कथा करान लाग रही है। साथ में जो भिंडी थी वो फ्राई करके उनके ऊपर सारे के सारे मसाले लगा दिए गए। हमने पूछा भी इनका क्या प्रोसीजर बाकी है, तो अंकल जी ने बताया कि ग्रेवी अलग से तैयार कर ली, जब खाने का टाइम आओगा ग्रेवी मिक्स कर देंगे इसमें। दूसरी साइड भंडार घर में पराठिया की तैयारी होने लग रही थी, सुबह जल्दी पराठे बनने थे, इस वजह से आलू वगैरह इब्बे काट के धर देंगे। आलू कद्दू का सोने लग रहे थे, गोभी काट दी थी, सुबह ही न उबालेंगे। अदरक और हरी मिर्च जमा छोटी छोटी काट रखी थी, कसुत्ता टैलेंट है ये इतनी छोटी सब्जी काटने का भी। दूसरी साइड जो किचन है उसमें चूल्हा डाल रखा है और चूल्हे पे रोटी बनाया कर आड़े, इतना बड़ा तवा रख रखा है कि उस पर 5-7 रोटी इकट्ठी डल जाया कर आड़े। जो हमारे शेफ भैया है इनकी स्पीड रोटी बनाने की कसुत्ती है भाई, और इनने बताया कि पिछली बार जो हमने वीडियो बनाई थी कटल की सब्जी वाली वाइन ने देखी थी, बहुत बढ़िया लगी। मैंने पूछी आपका हरियाणवी समझ में आ गई थी, तो भैया ने बताया कि हाँ थोड़ी थोड़ी तो आए गई हमारे समझ, बाकी आप स्पीड में बोलो तो हमने 2-3 बार सुननी पड़ी वह वीडियो। भैया का जो रोटी बनाने का स्टाइल था वो बिल्कुल अलग था, पहले काफी सारा आटा ले थे, 3-4 भाग कर की पेड़ी बना ले थे, उसकी जल्दी जल्दी बेल दे थे, एक बार में 5 रोटी जावे थी तवे के ऊपर। सामने भी लगभग 200-250 लोगों का भंडारा था और दूसरी साइड भागवत कथा की पूरी तैयारी हो चुकी थी, जो भवन है जिसमें भागवत कथा करी जाएगी वो फूलों से सजा दिया गया और इब कलश यात्रा की तैयारी शुरू हो रही थी। कलश जचा रखे थे और पंडित जी जो है मंत्र पढ़न लाग रहे थे। कलश यात्रा क्यों निकाली जाए अगर जब भी भागवत कथा हो, अगर आपने बेरा हो तो कमेंट में जरूर बताइए। पंजाब से जो सारी फैमिली आ रही थी उनकी ये लेडीज थी ये जिनने सारे के सारे कलश उठाए थे और दूसरे मंदिर तक लेके गए हैं सारे कलश। ऋषिकेश में पहली बार कोई ऐसा प्रोग्राम अटेंड करने का मौका मिला, दिल जमा खुश हो रहा था, कलश यात्रा बहुत प्यारी निकली। कलश यात्रा के बाद हम पीछे के गेट से बाहर निकल गए थे गंगा किनारे और आड़े एक झूला लगा रखा है, जड़े ये बालक कसुत्ते करतब दिखाने लग रहे थे। एक बात तो है टैलेंट जमा कूट कूट की भरा है और खासकर उन लोगों ने जिन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, आर्थिक रूप से कमजोर लगा लो या जो मौका नहीं मिल पाता जिनने पूरी जिंदगी का दे। शाम का टाइम हो गया था लगभग 7 बजे का, गंगा जी की आरती का टाइम होया करे 7 से 7:30 के बीच में और आड़े छोटे छोटे बच्चे आरती कराया करे, इनने शुरुआत कर दी। पहले तो नीचे घाट पर आरती होया कर दी लेकिन बारिश की वजह से गंगा जल का स्तर काफी ज्यादा बढ़ रहा है, घाट डूब चुके हैं, ऊपर पैड़िया में आरती होगी, तो सबने अपना अपना स्थान ले लिया था। कोई खड़े होकर आरती में शामिल हुए थे, किसी ने बैठने की जगह मिल गई थी वो बैठ गए थे। शाम का 7 बजे का जो माहौल होया करे ना आरती का टाइम का वो घना गजब होया करे, पहाड़ जल वायु बादल मतलब हर कुछ प्रकृति जितनी है ना आपने वह सारी की सारी हो हाड़ और उस प्रकृति के अलग अलग रंग देखने में मिले हैं। आरती शुरू हो चुकी थी, पहले बहुत देर भजन गाया जाया करे छोटे बच्चों के द्वारा है, पहले धूप आरती हुई उसके बाद अग्नि वाली आरती हो है। गंगा आरती लाइव देखने का अच्छा दृश्य कोई नहीं हो सकता और इतना पावन माहौल था, आड़े ठंडी हवा चलन लाग रही थी। इस घाट की खास बात यह है कि सब तो आरती करने का मौका दिया जाए, आरती का प्रोग्राम जो है वो लगभग आधे 1.25 घंटे चल रहे हैं। बहुत सारे लोग आ रहे थे जो अपने
रिलेटिव उसने अपने घर वाले ने जो आड़े नहीं आ पाए वो लाइव आरती दिखाने लाग रहे थे। आड़े तो आरती अटेंड करने के बाद हम आ जाए दोबारा था आश्रम में। जब हम रसोई घर में पहुंचे तो हमने देखा कि पालक के कोफ्ते की तैयारी होने लाग रही है। पालक अलग तो उबाली जान लाग रही थी और घिया के कोफ्ते बना की अलग तो फ्राई होने लाग रहे थे। उसके साथ साथ भिंडी की ग्रेवी बन की तैयार हो चुकी थी। दाल का एक पूरा कढ़ाया बन की रेडी हो लिया था। उसके साथ साथ अंकल जी ने लगा दिया था भिंडी में तड़का। भिंडी में तड़के में सिर्फ देसी घी यूज करा, इनने उसके ऊपर ग्रेवी डाली, नींबू का पानी डाला और फिर सारी भिंडी जो थी वो मिक्स कर दी। भंडारे का जो खाने का स्वाद हो है ना, उसका कोई होटल कोई ब्याह शादी कुछ भी बराबरी नहीं कर सकता। इतना स्वाद खाना बना रखा था अंकल जी ने। एक साथ अंकल जी ने सारी भिंडी नहीं डाली क्योंकि फिर ये करारी कौन रंधी, जितनी यूज होनी थी उतनी ये भिंडी डाली गई, एक बार फ्राई करी गई। तो जो यह रेसिपी अंकल ने बनाई है इसका नाम है अचारी भिंडी। एक नंबर की टेस्टी भिंडी बन रही थी, जमा करारी और खट्टी खट्टी। दूसरी साइड जो कोफ्ते थे वो तल लिए थे, पनीर तलिया जान लाग रहा था पराठिया खातर। जो सारी तैयारी है या काल खातर करी गई है, काल एक बहुत बड़ा भंडारा होने जा रहा है, लंच डिनर और ब्रेकफास्ट का। सुबह दो पराठे बनेंगे, दिन में ये कोफ्ते और उसके साथ साथ खीर मालपुड़े और साथ में रबड़ी। भोजन का टाइम हो चुका था, भोजन होया करे रात में 8 बजे, 8 बजे घंटी बाज जाया करे। बाल्टिया में डाल लिया गया सारा का सारा खाना। ये जो हलवाई भैया है ये पिछले 50 साल तक यो काम करे है, इनके पिताश्री भी और ये भी यार, यो तो खाना टेस्ट करके बेरा पटे गया था कि किस लेवल का खाना बनावे ये। इतना अच्छा, इतना गजब का टेस्ट था हर चीज में। भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छी करी गई थी, हमने भी करे अपना भोजन और भोजन में बहुत सारी चीजें थी। खासकर एक गुलाब जामुन मिठाई के तौर पे था और गुलाब जामुन घना टेस्टी बन रहा था। भोजन के बाद जो केसर दूध बनाया गया था उसकी बारी थी और केसर दूध घना टेस्टी था। हम सारे ने अपना अपना दूध पिया और चाल पड़े अपने आश्रम की साइड। सोन का टाइम हो गया, जयराम जी की व्लॉग ने शेयर जरूर करी।